हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दी पाथ टू सक्सेस RM यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग करा रहा था और रीजनिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो आज के जो टॉपिक होंगे गाइस, उसमें मैं आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाऊंगा और जो ट्रायंगल है वो हम अलग से करेंगे, इसके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बिकॉज ट्रायंगल में थोड़े टॉपिक्स बड़े हैं, थोड़े शॉर्टकट्स भी बहुत सारे हैं उसमें। तो अभी मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाऊंगा, ठीक है। और ये गाइज आपके SSC के एग्ज़ाम में जिसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें इसे 2 to 5 मार्क्स ज़रूर आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, और अगर 25 क्वेश्चन रहते हैं तो 1 or 2 मार्क्स के ये आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर्स का, फिर स्क्वायर्स के बाद मैं आपको कराऊंगा रेक्टेंगल और फिर उसके बाद हम आगे इसको करेंगे, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। देखिए गाइज, आपके जो स्क्वायर्स होंगे ना, बेसिकली उसमें आपको 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं। तो मैं वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की जगह सीधा आपको 4 क्वेश्चन कराता हूँ और उस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशंस में। तो ये पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, थोड़ा ड्राइंग और राइटिंग में थोड़ा वो होगा, दिक्कत हो रही है बिकॉज मेरी अभी इसमें प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो उसके लिए पार्डन मी। और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से और साफ साफ लिख सकूँ जिससे आपको समझ आए, ठीक है। 2-4 टाइप की अभी फोटो इसको मैं कराऊंगा, 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हर चीज़ इसमें आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ओके, मैं एक बार ये ड्राइंग बना लेता हूँ। वैसे तो खैर मेरे को ये पहले से ही बना लेनी चाहिए थी, बट मैंने सोचा सामने ही बनाऊँगा, तो उसके लिए भी थोड़े से 5 मिनट नहीं लगेंगे, बस जल्दी से बना देता हूँ फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाकी ये सारे स्क्वायर्स ही हैं, कहीं आप सोचो कि ड्राइंग ऐसी बन रही है, ये सब स्क्वायर्स हैं, तो ये सब स्क्वायर्स के ही क्वेश्चन हैं, तो स्क्वायर्स ही पढ़ाऊँगा यहाँ, ठीक है। बस थोड़ी राइटिंग अच्छी हो जाए और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इसमें, तो और अच्छी राइटिंग मैं लिख पाऊँगा, बट अभी वो होता हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये वीडियो है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और होगा जो मैं कुछ इस टाइप का बनाऊँगा। ये 5 क्वेश्चंस है गाइस, ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको स्क्वायर के तो क्वेश्चंस कोई भी आ जाए तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले गाइस, स्क्वायर्स में ना आपको कुछ इस टाइप का, पहले टाइप का क्वेश्चन में कुछ ये दिया होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना और प्लस करना है। सबसे पहले इसमें आपको 4 × 4 करना है, फिर 3 × 3 करना है, फिर 2 × 2 करना है, फिर 1 × 1 करना है, और सबको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 30। ये हैं इसके नंबर ऑफ स्क्वायर्स। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको इस साइड का लास्ट और इस साइड का लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी तरह इसको करते रहना है और एंड में 1 ही रह जाएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब आप सोचोगे कि इसमें तो दोनों में इक्वल स्क्वायर्स थे तो इसलिए इक्वल स्पेस थे, तो इक्वल नंबर से तो हमने कर दिया। अब इसमें देखते हैं, 4 × 6 करेंगे सबसे पहले क्योंकि ये लास्ट है, ये लास्ट है, फिर उसके बाद 3 × 5 करेंगे क्योंकि ये दोनों लास्ट हैं, फिर उसके बाद करेंगे 2 × 4 और 2 × 4 करा, उसके बाद करेंगे 1 × 3, बस 24, 15, 8 और 3, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 8, 4, 12, 15 और 50। ये होगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स। बेसिकली कुछ नहीं करना आपको गाइज, आपको इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना होता है,
फिर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना होता है और इस वाले को छोड़ देते हैं। अब सिमिलरली इसमें इस वाले से मल्टीप्लाई करा, फिर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करा, फिर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको हमने वन लिखा है ना, वन को हमने एज इट इज़ लिख दिया। आप सोचोगे इसमें वन को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया तो टू को नहीं लिखा, इस टाइप के में नहीं लिखेंगे, इस टाइप के में इसको छोड़ देंगे। ओके अभी वाला क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें भी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 2 3 4। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना गाइस, सबसे पहले देखिए हमको ऊपर वाले की तरह 4 into 4 3 into 3 2 into 2 1 into 1 करेंगे और इससे हमारा जो सम आएगा वो हो जाएगा आपका 30 एज यूजुअल, जैसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने करा। उसके बाद अब हमें गिनना है ये वाले, इसको भी अगर हम लिख देते हैं 1 2, ठीक है 1 2 2, ठीक है तो देखिए 2 into 2 4 plus 1 5, 2 into 2 4 1 into 1 1 और 5, तो ये 5 हो गया। अब 5 है और ये ऐसे 4 हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 5 into 4 20, और इसमें हमने 20 ऐड करा तो हो जाएगा 50। कैसे, अब देखिए ये तो आपको पता लग गया कि 4 into 4 करा, 3 into 3 करा, अब इसको भी हम ऐसे काउंट कर लेंगे, 1 2 ले लेंगे 1 2 ले लेंगे, 2 into 2 करा तो 4 हो गया, 1 करा तो 5 हो गया। अगर हम इसको वैसे गिने तो देखो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4 और ये पूरा हो जाएगा आपका 5। सिमिलरली ये 5 10, ये 5 15 और ये 5 20, इसलिए हमने 30 में ऐड किया 20 और ये आपका आ गया 50। अब सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें हम देखिए 2 into 2 करा सबसे पहले, इसको इससे 4 और 1 into 1 करा, ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब हमने इसको करना है, अब और एक ये इस वाले को हम काउंट करेंगे, ठीक है तो ये प्लस 1 करा और ये हो गया हमारा 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली स्क्वायर में आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है 1 into 1 और ये लिख देना है। बस इस वाले में थोड़ा ये है कि आपको ये एंड वाला छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारा आपको लिख देना, और बाकी इसमें भी हम मैंने बता ही दिया सेम प्रोसीजर है, 2 into 2 करा और 1 into 1 करा तो आ जाएगा, वरना आप ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 और ये पूरा हो गया आपका 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है गाइस, जब भी याद रखना इसको रट लो, ट्रिक कर लो, कुछ भी कर लो, इसका आंसर हमेशा 20 होगा, ठीक है ये चीज़ पहले याद रखना। और ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, आपको अलग टाइप के में आएगा, पहले तो मैं इसको स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 2 3, ठीक है अब इसको हम लिख काउंट बनाते हैं, कुछ इस टाइप का डायग्राम है बेसिकली। तो इस टाइप का डायग्राम का आपका जो आंसर होगा वो हमेशा 20 होगा। अब कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है और इसको 1 into 1, यानी कि 3 into 3 2 into 2 1 into 1 9 4 1, ये हो गया आपका 14, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको ये एक एक को हम स्क्वायर्स को गिन लेते हैं, जैसे कि ये एक हो गया, ये 2 हो गया, सिमिलरली ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो इसमें प्लस 4 कर दिया, ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अब अभी इसमें हमें करना है 2 पॉइंट्स और हमें इसको स्क्वायर लेना पड़ेगा, वो है कौन कौन से पॉइंट्स ये मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे कि पहला ये पॉइंट, इसको इससे ऐड करा, इसको इससे ऐड करा, ठीक है इसको इससे ऐड करा और ये ऐड करा, एक तो ये स्क्वायर बनेगा आपका गाइस, और एक स्क्वायर बनेगा आपका ये वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये 2 स्क्वायर बना। आप देख लीजिएगा वीडियो फिर से पॉज करके, एक तो ये वाला बनेगा, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और एक दूसरा कलर और ले लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ आए, और एक ये बनेगा, इसमें आपको बेसिकली ड्राइंग दिया नहीं होगा, बस ये पॉइंट्स दिए होंगे, इससे हमें पता करना होगा कि स्क्वायर क्या होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका आंसर आप याद कर लेना कि 20 आंसर है। तो इन 2 को और हम ऐड करेंगे तो प्लस 2 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 20, ख़त्म। तो बस ये था हमारा स्क्वायर का टॉपिक, इसमें आपको डायगोनल टू डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, और एक केस है जिसमें आपको वो 2 छोड़ देना है, बाकी सब केस सेम है,
इसमें मैंने आपको बताया 1 2 3 करके हमने पहले 14 निकाल लिया, फिर ये जो अंदर छोटे छोटे 4 स्क्वायर दिए थे वो ऐड करें, और फिर ये बड़े वाले स्क्वायर ऐड किए तो 20। और इसका आंसर आपको वैसे भी याद रखना है कि इसका आंसर 20 ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की, बट उससे पहले मैं इसको ज़रा एक बार डिलीट कर देता हूँ या सेव, ठीक है, सो डैट आपको इसमें दिक्कत नहीं हो और मैं जल्दी से करा दूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ये इसको रहने देते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें भी सेम केस है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस इस टाइप का है कि इसमें आपको जैसे इस तरीके का एक दिया है, ठीक है, रेक्टेंगल है, वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर। अब जैसे स्क्वायर में क्या करते थे, हम इसको इससे इंटू करते थे, फिर इसको इससे इंटू करते थे, फिर इसको इससे करते थे, फिर वन इंटू वन कर देते, प्लस कर देते, बट हमें इस केस में ये नहीं करना, हमें इस केस में इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, सिमिलरली ये 10, और आंसर हो जाएगा 10 × 10 100, तो 100 रेक्टेंगल्स होंगे। और सिमिलरली एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का भी हो सकता है इसमें, जैसे कि 1 2 3 2, इसको हमें ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 + 6, और इसको ऐड करेंगे तो 3, तो 3 × 6 18 रेक्टेंगल्स, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और मैं इसमें कराता हूँ, जैसे कि कुछ इस टाइप का, 1 2 3 2 3 4 5, इसको सबको प्लस करेंगे, 5 + 4 9, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 3 6 4 10 15, और ये इसको करेंगे प्लस, तो 3 2 5 और 1 6, यानी 15 × 6 90, ठीक है, तो ये 90 आंसर आएगा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या होगा और आंसर क्या होगा, तो इसको डायग्राम पहले बना लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच इज ओनली रेक्टेंगल नॉन स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच इज ओनली रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर। हमें ऐसे रेक्टेंगल पता करने हैं जो सिर्फ रेक्टेंगल होंगे, स्क्वायर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो इन सबको पहले रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 और 1 15, तो 15, और यहाँ पे भी आएगा 15, और 15 × 15 कितने होते हैं आपके, 225, ठीक है। तो पहले तो ये कर लिया, उसके बाद हम निकाल लेते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसको इससे इंटू करा, इसको इससे इंटू करा, फिर इसी तरीके से, तो स्क्वायर निकालेंगे तो 5 × 5 25, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1, ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 9 × 4 13 14 26 55, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ रेक्टेंगल, जो सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर ना हो, तो 225 में से हम 55 माइनस कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 170। तो ये था गाइस रेक्टेंगल और नंबर ऑफ आपका स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मैं आपको इसमें कराऊंगा नंबर ऑफ ट्रायंगल, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टफ भी है, उसमें कुछ रूल्स भी हैं बहुत सारे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है गाइज, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।